सारा ना, सब तो पहले तो राम राम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा थर्ड डे और आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड। आज एक अच्छी बात शनाया के लिए ये है कि आज हम कार यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। तो अगर आप यूरोप में कहीं पे भी हैं तो आई थिंक आपको अपना व्हीकल नहीं, यहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा है, मेट्रो, ट्रैम, बस, कोई इशू नहीं होता। तो आज हम भी बस यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं बस स्टॉप पे और ये है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हैं, बस स्टॉप। और वो जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर आपका टाइम दिखा रहा है कि नेक्स्ट बस कब आएगी। शनाया की वजह से हमारी बस निकल गई है, तो अभी हमारी बस 20 मिनट्स बाद आएगी, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। शी इज सुपर एक्साइटेड एक्चुअली। कहाँ पे हम? तो क्या हुआ? एंट्री कर रहे हैं और जैसा कि अभी 10:30 ही बजे हैं और इतनी भीड़ नहीं हुई है अभी, क्योंकि 10 बजे तो ये ओपन होता है, 9:30 बजे तो। और हमने ऑनलाइन ही टिकट्स बुक कर ली थी, बेटर रहता है कि ऑनलाइन टिकट बुक करो, काउंटर से भी क्लोज है, क्योंकि हमारी जो ओनर थी, ओनर है, वो डिज्नीलैंड में ही काम करती है, तो इन्फॉर्मेशन हमने उससे ले ली थी, तो इट्स गुड। अब ये काफ़ी लंबा पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर तो ये होगा। और यहाँ पे अलग अलग कई हैं, लाइक डिज्नीलैंड पार्क, डिज्नीलैंड स्टूडियो और भी कई हैं। तो हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड पार्क में। अंदर आते ही शनाया की शॉपिंग शुरू हो गई और इस हेयर बैंड की एक बात पता चली कि आप इसको यूज़ करो, पूरा दिन यूज़ करो और बाहर जाते समय इसको किसी भी शॉप पे रिटर्न कर दो, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी और हमने आते हुए रिटर्न कर दिया है इसको। हमने स्ट्रॉलर ले लिया है शनाया के लिए, जो कि 25 यूरो में पूरे दिन के लिए मिला है। और सच में बताऊँ तो ये बिल्कुल पैसा वसूल है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा है तो बहुत घूमना पड़ता है। Are you having fun? Yeah. You like it? Yeah. What is your name? No. No. Boating, boating, क्या करनी है? Boating तो नहीं, चला रही हूँ आपके साथ में। ना, तो मैं आपके साथ चला रही हूँ। ना boating करनी है? अच्छा, तो boat। Yeah.
आया, कम कम थोड़ा गैप तो रखेंगे ना।
बैठना पड़ेगा पार्ट ऑफ ईच स्टोरी एंड ईच फेरी टेल वी अडोर टू हेट देम बट वंस अ ईयर ड्यूरिंग द हैलोवीन सीजन दे आर सेलिब्रेटेड पोर वूज aujourd'hui नो मेशन डिस्ने प्रेफेरे यहां पे खड़ा हो जाओ चलो बड़ी इतनी लोग भी चलो देखेंगे चलेंगे ये तो हमारे नाम काम की ना ये तो हमारे काम की है ना चलो टेक योर चलो पैसा
कैसे गा रही है, कैसे गा रही है, कैसे गा रही है। हाँ चलो खींच जा। इधर आ जाओ, उधर नहीं खी रही। हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक्चुअली डिज्नीलैंड में जाके कुछ बातें मुझे ऐसी पता चली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मे बी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। एक दो बातें तो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ और रेस्ट मैं अभी बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके पास कार है तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि आप अपना व्हीकल यूज़ मत कीजिए, आप वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट में जाइए, क्योंकि जो कार के लिए पार्किंग वहाँ पे फ्री है, बट पार्किंग तक जाने के लिए आपका काफ़ी टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीक टाइम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो बस वगैरह से तो आप, या फिर मेट्रो वगैरह से तो आप उतरे और जस्ट गेट के सामने ही है, तो कोई इशू नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप डिज्नीलैंड में जाए वहाँ का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उस ऐप के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी राइड में कितनी वेटिंग है, या करेक्ट वेटिंग, क्योंकि वहाँ पे जो राइड्स होती हैं पीक टाइम में, स्पेशली अक्टूबर, भी हम अक्टूबर में गए थे और वो पीक टाइम ही होता है, और आपको राइड्स में जो पॉपुलर राइड्स होती है उसमें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, दो दो घंटे का वेटिंग टाइम होता है। तो उस ऐप के थ्रू आपको पता चल जाता है कि किस में कम वेटिंग है और किस में ज़्यादा वेटिंग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी राइड चूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड, वहाँ जाने से पहले आप लिस्ट बना के जाइए कि आपको कौन कौन सी राइड्स करनी है, क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आप जैसे सिंपली आप देखने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे कि कौन सी राइड करूँ कौन सी नहीं। तो अगर आप बच्चे के साथ हैं और छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आप फैंटेसी लैंड को कवर कीजिए, उसके बाद बाकी के राइड्स को कवर कीजिए। और अगर बच्चा नहीं है साथ में तो आप एडवेंचर लैंड और फ्रंटियर लैंड को कवर कर लीजिए पहले, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि जो फैंटेसी लैंड है उसमें ऑलमोस्ट छोटे बच्चों के लिए राइड्स हैं, मतलब अच्छा है कि बच्चे इंजॉय कर सकते हैं उसमें। और जो बाकी की जो एडवेंचर लैंड है, फ्रंटियर लैंड में जो राइड्स हैं उसमें एक हाइट है, बेस है, लाइक आपका बच्चा अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो कुछ राइड्स उसमें ऐसी हैं कि वो
तभी आप उसमें जा सकते हो। अगर 100 सेंटीमीटर नीचे है तो आप उसको नहीं कर सकते। लाइक शनाया 100 तक थी, 100 से ऊपर नहीं थी, 110 ऐसे मांगा हुआ था, तो हम कुछ राइड्स नहीं कर पाए। डिज्नीलैंड की ऐप में आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी राइड में जो हाइट है, बच्चे की कितने हाइट इंची वो मांगी हुई है। तो अगेन ऐप इज वेरी यूजफुल, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि हम लाइन में खड़े और आगे बिल्कुल जाके हाइट का उन्होंने बोर्ड लगा रखा था और फिर हमें लाइन से निकलना पड़ा। वो बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कि यार थोड़ा सा कम है तो करने दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, फैंटेसी वर्ल्ड में जो स्मॉल वर्ल्ड है, एक स्मॉल वर्ल्ड उन्होंने बना रखा है, आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए, जो कि मैंने इस वीडियो में शो किया हुआ है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो इट्स अमेजिंग। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बट वो लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा उसको बनाया हुआ है। तो मुझे मतलब पूरे डिज्नीलैंड में मुझे वही एक बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी तो आप जाइए और इन टिप्स के साथ इंजॉय कीजिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप सोच कर जाइए कि आपको कौन सी राइड करने हैं, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत होता है पीक टाइम में, और आपको एक डेढ़ घंटा दो घंटा वेट करने के बाद आपको हार्डली 2 मिनट की एक राइड मिलती है। तो अगर उस वजह से देखो तो वो तो उससे ज़्यादा अच्छा तो यहाँ पर प्राटर में मिल जाता है मुझे वियना में, बट फिर भी ऑफकोर्स इट्स फेमस डिज्नीलैंड, तो जाइए एंड इस टिप्स को आप जरूर यूज कीजिए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा।